उज्जैन भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले गांव बासखेड़ी के सरपंच नरेंद्र कुमावत के घर से और ग्राम पंचायत के ऑफिस में इससे पुलिस ने देशी शराब और स्पिरिट 16 लाख रुपए का जब्त किया था। सरपंच नरेंद्र कुमावत बासखेड़ी गांव में बड़े पैमाने पर अवैध कच्ची शराब बनाकर बेच रहा था और अवैध कच्ची शराब का व्यापार कई वर्षों से कर रहा था। शासकीय भवन का उपयोग भी कर रहा था और रसूख रुतबे का फायदा उठाकर वह अवैध कच्ची शराब का व्यवसाय कर रहा था। उज्जैन SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल को सूचना मिली और फिर कार्यवाही की गई। सरपंच नरेंद्र कुमावत पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सरपंच को भारतीय जनता पार्टी के एक दमदार नेता का संरक्षण प्राप्त था। सरपंच ने काफी जतन किए बचने के और गुपचुप कर फरारी काटता रहा। पुलिस की शक्ति बढ़ती गई और आखिर थक हार कर सरपंच नरेंद्र कुमावत देर रात को भैरवगढ़ थाने पहुंचा और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। आत्मसमर्पण करके अब रायगढ़ पुलिस शराब का कारोबार करने वाले सरपंच नरेंद्र कुमावत से थाने पर पूछताछ कर रही है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।